तो दोस्तों एटलीस्ट मैं पहुंच गया हूँ एट माई डेस्टिनेशन, दैट इज द ऑटो लाइन में खड़े होकर देखो वो लोग मुझको ही देख रहे हैं। दोस्तों ये मेरा चीता, बट चीता का भी नंबर प्लेट नहीं हुआ है, नया बाइक है, तो as you can see that is नंबर प्लेट अभी मुझको नहीं मिला है। तो मुझको ऑफिस जाना है, बट आई कांट टेक माय बाइक। अगर ऑफिस में बाइक लेके जाऊँ, एक्चुअली मेरा ऑफिस इन द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी, तो जाऊँगा तो पुलिस मुझको पकड़ के केस दे देगा और बाइक को भी सीज कर सकता है, तो मुझको जाना पड़ेगा आज लोकल ट्रेन से। ऑलरेडी मैं टिकट खरीद चुका हूँ और यहाँ से मीन्स लोकल मेरा जो स्टेशन है दैट इज हृदयपुर से मेरे ऑफिस जाने का टाइम लगता है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, एंड यू कैन सी दैट इज ऑलरेडी आई गॉट द टिकट। और मेरा पीछे ट्रेन भी शायद आपको अभी दिखेगा, ये ट्रेन मेरा आ चुका है। तो चलिए गाइस पहले पहुँचते हैं उल्टो डांगा मीन्स विधान नगर स्टेशन, दैट इज़ द नियरेस्ट स्टेशन ऑफ माय ऑफिस। वहाँ से मुझको ट्रेन से उतर के मुझको लेना पड़ेगा बस। तो चलिए पहले ट्रेन पे चढ़ते, उसके बाद पहुँचने के बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो दोस्तों एटलीस्ट मैं पहुंच गया हूँ एट माय डेस्टिनेशन, दैट इज द विधान नगर स्टेशन। सो द थिंग इज दैट ट्रेन एक बहुत ही खास जगह है पर्सनली फॉर मी, बिकॉज हियर यू कैन फाइंड लॉट ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट वे विद अ डिफरेंट बिहेवियर। एंड वन ऑफ द वंस अपॉन अ टाइम आई हैव सीन इंटरव्यू ऑफ फेमस जस्ट लाइक फिल्म एक्टर, बंगाली फिल्म एक्टर, उसका नाम है कंचन मल्लिक। एंड ही सेड दैट इज उसको पूछा गया था जस्ट लाइक आप कहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आपको करने का इंस्पिरेशन मिलता है, हाउ डू यू जस्ट डू, हाउ डू यू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। तो उसने बोला जब भी मैं ट्रेन से बस से जस्ट लाइक आता जाता हूँ, आई सी डिफरेंट पीपल देयर बिहेवियर, आई जस्ट ऑब्जर्व देम इन अ डिफरेंट वे, तो वहाँ से मुझको इंस्पिरेशन मिलता है टू एक्ट टू पॉसेस डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो दोस्तों ट्रेन बस एक्टिंग सीखने का भी एक बहुत ही खास जगह है। तो अगर आप आपके पास ऑब्जर्वेशन पावर है, इफ यू हैव द ऑब्जर्वेशन पावर, व्हाट यू कैन डू, ऑब्जर्व करो डिफरेंट कैरेक्टर्स को, होप सो यू विल गेट सम शॉर्ट ऑफ आइडियाज अबाउट द पीपल बिहेवियर, पीपल रिएक्शन, एंड दिस इज द प्लेस ऑफ लॉट ऑफ मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो दिस इज द नाइस एक्सपीरियंस व्हेन यू कैन हैव व्हाइल यू आर ट्रेवलिंग आइदर इन द लोकल बस और ट्रेवलिंग इन द लोकल ट्रेन। यहाँ पर एज यू कैन सी थोड़ा सा पूजा मुजा भी चल रहा है। This is all. आधा घंटे जर्नी के बाद मैं पहुंच गया विधान नगर। From here I have to get one more transport to reach my office and that is the bus. Actually I'm just missing my bike badly. Actually पहले जब मैं संडे को ऑफिस जाता था, I used to take my cheetah, not my that cheetah, that is my old one, my igniter. Yesterday within a 15 minutes, 20 minutes I used to reach to my office and my places. But अभी एक attention occurs in mind because I have to go through the local transport and all. इट्स ओके फाइन, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइफ। तो चलिए कैसे बस से ऑटो से कैसे मैं पहुँच सकता हूँ, थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया में एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, दैट इज़ द नंबर ऑफ पीपल। जब भी आप किसी भी मेगा सिटी, कोलकाता जैसे, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे मेगा सिटी में आप ट्रैवल कर रहे हो दोस्तों, यू विल गेट हर जगह पे plenty of people and that's very nice. देख सकते हो राइट नाउ ऑलरेडी आई हैव कम इन उल्टो डांगा एंड इट इज द हार्ट ऑफ द सिटी, ये शहर कोलकाता, सिटी ऑफ द जॉय। और यहाँ पर हर लोग दे ऑल आर क्वाइट बिजी विद देयर डेली लाइफ, डेली वर्क एंड ऑल दिस स्टफ्स। मैं भी बिजी हूँ, ये शहर कभी सोता नहीं है, ये शहर कभी उदास नहीं होता है, ये शहर कभी क्या बोलूँ, जस्ट लाइक ऑलवेज इट इज इन मोशन, हार्ड दौड़ वाली लाइफ है बॉस कोलकाता में। आई एम लकी बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिटी गाइस। एक्चुअली इंडिया में चार मेट्रोपॉलिटन सिटी है एंड कोलकाता इज़ वन ऑफ दैट, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, एंड दिस ऑल सिटीज आर जस्ट रॉक्स। बट कोलकाता में एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ आपको महसूस होगा, दैट इज़ अ लाइफ, पीपल आर वेरी मच हेल्पफुल, पीपल आर वेरी मच कोऑर्डिनेटिव, दे लिसन टू यू। अगर आप मदद मांगो किसी एक से, यकीन मानिए कोलकाता में 10 लोग आ जाते हैं टू हेल्प यू आउट, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिटी। तो अभी मुझको देख सकते हैं ये ऑटो का लाइन है, आई हैव टू टेक एनी आइदर ऑटो, बस से नहीं चलते, बस में बैठने का तो जगह नहीं मिलेगा, 5-10 रुपये ज़्यादा लगेगा, बट इट्स बेटर टू
get the cab from here, which is cab nahi, auto from here. But auto ka line bhi padta hai zabardast yahan se, I think so. Samne auto ka line hai, chaliye pooch lete ye wala auto jata hai ki nahi. Log aise ghur ghur ke dekh rahe hain mujhko, yaar feeling so much embarrassed. Means those all are people standing in the auto line. Auto line mein khade hokar dekho, wo log mujhko hi dekh rahe hain. Actually it's nice to see. Bakhi eti auto kotha theke baba line line. Okay, so at last I got the auto. Chaliye line dena nahi pada, chaliye andar jaake baithte hain. ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूं जस्ट लाइक इन द एरिया ऑफ माय ऑफिस, और ये जगह का नाम है चोड़ा मुंदी. मीन्स हल्दीराम स्टॉप के ठीक सामने ही है चोड़ा मुंदी. ऑटो से मैं उतरा उस सामने मोड़ से, वहां से आके रिक्शा भी ले सकता हूं, बट रिक्शा लेना नहीं है, आप लोगों के साथ बात करना है. चलिए सुबह के टाइम में बात करते करते पहुँच जाऊँगा एट द ऑफिस. एक्चुअली आज का जो क्लास है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट. आज का क्लास है एक्टिंग का क्लास. एक्चुअली एक नया बैच शुरू हो रहा है किड्स एक्टिंग का, शायद कुछ नया स्टूडेंट एडमिशन लिया है. तो आज है एक्टिंग का क्लास, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है एक्टिंग का. एक्चुअली मैं खुद ही समटाइम्स कन्फ्यूज हो जाता हूँ, मैं एक्चुअली किस सब्जेक्ट का एग्जैक्ट फैकल्टी हूँ. ऑल्सो आई डू टेक द क्लासेस ऑफ इंग्लिश, ऑल्सो आई टेक द क्लासेस ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एंड नंबर थ्री ऑल्सो आई टेक द क्लासेस ऑफ एक्टिंग. तो मेरे जो स्टूडेंट है समटाइम्स आस्क मी, सर हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस क्लासेस वेरी इजीली, बिकॉज दिस क्लासेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर. सो एक सब्जेक्ट का ऊपर तो क्लास तो हो सकता है, ठीक है, ओके फाइन, एक सब्जेक्ट के ऊपर आप क्लास कर सकते हो, बट टैकलिंग द थ्री डिफरेंट क्लासेस इन अ डिफरेंट वे, दैट्स क्वाइट ट्रिकी. बट क्रिएटिविटी, आर्ट, दैट बचपन से मेरा पैशन था. तो आई यूज़ टू डू ग्रुप थिएटर, तो वहाँ से एक्टिंग का स्किल जनरेट हो गया. अगर एक्टिंग अच्छा कर सकते हो सो नेचुरली आप एंकर, मास कम्युनिकेशन, ये चीज़ भी आपका आ जाता है, बिकॉज दीज आर क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर. और इंग्लिश इज़ माई डोमेन सब्जेक्ट बेसिकली. लास्ट 10-12 साल से आई हैव बीन टेकिंग द इंग्लिश क्लासेस, तो इसीलिए स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश का क्लास तो बचपन से ही मैं करवाना हूँ सिंस माई कॉलेज लाइफ. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट माई सिंपल प्रोफेशनलिज्म. तो इससे एक बढ़िया चीज़ मेरा हो जाता है, मेरा जो खर्चा पानी, मीन्स मेरा जो अर्निंग, सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं, तीन सब्जेक्ट से ही मुझको हो जाता है. तो दैट्स रियली हेल्प मी आउट टू बूस्ट माई करियर इकोनॉमिकली ऑल्सो टू. और यूट्यूब से तो ज़्यादा इनकम इनिशियल स्टेज में नहीं होता है, तो नहीं होता है तो आप कैसे ट्रेवल करोगे, इंटरनेशनल ट्रेवल कैसे करोगे. तो ये सब जगह से जो अर्निंग होता है, इस सब को मिलाकर मेरा जो कमाई होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ. आई इन्वेस्ट फ्रॉम देयर एंड इन्वेस्टिंग आपने देखो जस्ट साउंड पोल्यूशन वाला बाइक है, बाइक नहीं सॉरी कार है. तो इन्वेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा 60-70 हज़ार जमा लेता हूँ, 1 लाख जमा लेता हूँ, उसके बाद आई गो फॉर द इंटरनेशनल ट्रिप. और आजकल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बिगेज सुन 2-4 दिन में मुझको निकलना है टू गोवा कंट्री टू इंटरनेशनल ट्रिप. एक्चुअली पहले तो मुझको जाना था चाइना, बट चाइना में जो कोरोना वायरस का जो जस्ट लाइक डंक पड़ा है उसके बाद आई कैंसिल ऑल माई ट्रिप एंड स्टफ. और नाउ जस्ट प्लानिंग फॉर अनदर कंट्री. पर प्रॉब्लम बजट, हम लोग का जो मिडिल क्लास फैमिली से जो ब्लॉगर होता है, ट्रैवल ब्लॉगर होता है खास करके, हम लोग के लिए बजट एक बहुत ही बड़ा इशू होता है. बजट इज़ अ बिग इशू फॉर अस, इसीलिए हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं. मीन्स जो अमीर सादे हैं उन लोग का ऐसा रिसर्च वर्क करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. अरे यार देखो यहाँ पर पूरा खुला हुआ ये जगह है, अगर मैं नहीं देखता आपके साथ ऐसे मुंह उठाकर बात करता तो आई कुड हैव फॉल डाउन. इंडिया में एक प्रॉब्लम है, बहुत ही ऐसे खुला ड्रेन रहता है, मैनहोल्स रहता है, बहुत लोग गिर भी जाते हैं, मुझको गिरना नहीं है. सो इसीलिए सनग्लास
एंकर बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सीधा, और अब वो लग रहा है मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, यस आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बट आप लोगों से आप लेस पर देख कर बात नहीं कर रहा हूँ, बट अरे बाप रे बहुत, बिकॉज माई स्टेमिना इज गेटिंग डाउन, एक्चुअली माई वर्क इज नॉट सो मच हार्डशिप, फिजिकल ज़्यादा लेबर टेबर तो नहीं होता है। घर से निकलता हूँ चीता बाइक से, मैं जाता हूँ, मेरा घर का जो इंस्टीट्यूट है वो भी घर से 2-4 मिनट के डिस्टेंस है, तो यूजुअली आई डोंट वर्क टू लॉन्ग। तो दोस्तों आफ्टर लॉन्ग मॉर्निंग वर्क मैं पहुंच चुका हूँ एट माय ऑफिस, एंड दिस इज द गुरुकुल एक्टिविटी सेंटर, ये मेरा ऑफिस है। तो चलिए भाई अंदर जाना है, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ आवर ऑफिस ओवर हियर, ये वाला एंट्रेंस से मुझको अंदर जाना है। चलिए टाइम से कुछ पहले मैं पहुंच गया हूं, अंदर का सीन कैसा है चलिए आपको दिखाते हैं। जाना पड़ेगा अपस्टेयर बिकॉज़ ऊपर रिसेप्शन, ऊपर मेरा क्लास है, तो ऑलरेडी कुछ टाइम ही बाकी है, तो रेस्ट लेना है, डू रिफ्रेश होने के बाद क्लास में पहुंचना है। तो दोस्तों एटलीस्ट मैं पहुंच गया हूँ इन माय क्लास, यू कैन से दिस इज द क्लास ऑफ गुरुकुल एक्टिविटी सेंटर, यहाँ पर हम लोगों का क्लास होता है, दिस आर द सिटिंग अरेंजमेंट, स्टूडेंट्स वेलकम। थोड़ा सा जल्दी मैं आ चुका था, अच्छा ही है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेन बस से भी सफ़र करते हो तो मैक्सिमम टाइम होता है आप लोग जल्दी पहुँच जाते हो, पर प्राइवेट कार से जब जाते हो बाइक से कार से तो समटाइम्स इट हैपेंस दैट इज हम लोग चलो पहुंच जाएंगे सोचते सोचते लेट हो जाता है। तो गाइस अभी इंतज़ार चल रहा है मेरा स्टूडेंट का, बिकॉज एक्चुअली थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले आ चुका हूँ, 10-15 मिनट बाद शायद स्टूडेंट लोग आएंगे, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, लेट मी गेट प्रिपेयर फॉर द क्लास। सो गाइस ब्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं बिकॉज क्लास का भी शुरू करना है, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।